एक लाएं आपके वादिब के थ्रू, और इनफैक्ट कुछ ड्राइवर्स के साथ भी हम लोगों ने बात की, सोपर में भी की और यहाँ पे भी करेंगे, और ताकि उनको जो कानून है हमारे जो ट्रैफिक के तहत जो उन्होंने फॉलो करने हैं, दे शुड फॉलो, क्योंकि मुझे अभी लग रहा कि एक जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो इनकी सिविक सेंस जो रहती है वो भी अभी थोड़ा सा हमें लग रहा कि कोशिश हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू वो भरपूर हो जाएगी, और दे हैव टू फॉलो जो भी हमारे कम्यूटर्स हैं, चाहे वो पॉपुलेशन यहाँ की है, जो भी जिसके पास DL है अपनी, दे हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, सो दैट, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कोई इंटेंसिटी ऑफ जो फैटलिटीज एंड एक्सीडेंट्स वो एनहांस हुए हैं, वी हैव टू कटेल दोज एक्सीडेंट्स, इट विल बी थ्रू यू पीपल ओनली, जो भी हमारे लोग हैं यहाँ पे, अगर जो तमीज़ जो होती है, जो डिसिप्लिन होता है अगर ड्राइविंग का, अगर वो हम लोग फॉलो करेंगे 100% हमारा कटेलमेंट हो सकता है इसमें, क्योंकि हम लोगों ने गशी वे में रैशनेस में नेगलिजेंट ड्राइविंग नहीं करनी है, हम लोगों ने वी हैव टू फॉलो इट, स्पीड लिमिट आपको पता ही है, हमारे रोड जितने भी फार फ्लंग एरियाज में रोड हैं, हमारा जो स्पीड है वो लिमिटेड रहता है, क्योंकि रोड्स आर नॉट परमिटिंग अस टू ड्राइव टू दैट स्पीड, जो इट कैन एक्सीडेंट एंड इट कैन बी द एक सबब बनता है हमारा कि वो एक्सीडेंट्स का भी, उसके साथ साथ ओवरलोडिंग जो है हम लोगों ने 100% जीरो टॉलरेंस का रखा हुआ है, वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट आपका ओवरलोडिंग जो रहेगा, ओवरलोडिंग का भी बहुत बड़ा एक पहलू रहता है जो कि एक्सीडेंट, क्योंकि फार फ्लंग एरिया कई बार हम लोग बारिश बर्फ भी पड़ेगी और स्लिपरी भी रहेगा ये इलाका, और उसके साथ साथ क्योंकि ओवरलोडिंग के सबब के साथ साथ क्योंकि वो लोग तीन तीन चार चार सवारियाँ, इनफैक्ट मैंने देखा कि कई सवारियाँ यहाँ पे आपके स्टेयरिंग इस साइड ड्राइवर के साइड से भी राइट साइड से भी वो बैठती हैं, तो दैट विल नॉट बी टॉलरेटेड, मैं उनको भी आगाह करना चाहता हूँ कि आप विद इन लिमिटेड जो प्रिस्क्राइब्ड आपका इनटेक है उसी में बैठाएँ, चाहे वो आपकी कैब्स हैं, हमारी टैक्सीज हैं, या फिर बड़ी गाड़ियाँ हैं जो मिनी बसेज भी रहती हैं, मेट्रो रहती हैं, तो उनके ड्राइवर हजरात से भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, और स्पीड का लिमिट रखें, ओवरलोडिंग ना करें, और अपने डॉक्यूमेंटेशन जितना भी रहता है, HSRP रहता है, आपका पोल्यूशन रहता है, आपका इंश्योरेंस रहता है, फिटनेस पे बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे जोर दे रहा हूँ, क्योंकि ये इलाके जो हैं बहुत दूर दराज के इलाके हैं, मैकेनिकल चेकअप जो उनका रैंडम होना चाहिए, फिटनेस बहुत ज़रूरी है, हमारी जो गाड़ियों की फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है, लाजमी है, और अगर फिटनेस नहीं है तो खुदा रहा वो करवा लीजिए, अदरवाइज़ रोड पर मत आइए, क्योंकि आई एम गोइंग टू सीज योर व्हीकल्स ऑल्सो। उसके साथ साथ पेरेंट्स को भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स भी अपने टीनएजर्स जो हैं, जो ब्रूडिंग किड्स हैं, दे रिक्वायर्ड यूर टीचिंग, दे रिक्वायर्ड यूर एजुकेशन, डोंट गिव देम, उनको उस हद तक एजुकेशन दे कि ताकि वो उनमें अच्छी बातें इनकलकेट हों, ना कि आप उनकी जो मनमानी सुने, और ना ही उनको 2-व्हीलर दीजिए और ना ही अपने 4-व्हीलर, बिकॉज उनके DL नहीं होता, उसके पेनलाइज हो जाएंगे आप लोग, और एज पर प्रोविजन हमारे पास बहुत बड़े प्रोविजन यहाँ पे रहते हैं, दे कैन बी पेनलाइज एज वेल एज दे कैन बी पुट बिहाइंड द बार आल्सो, सो ये मैं बार बार रिएटेट कर रहा हूँ, सो दैट मेरा मैक्सिमम जो पॉपुलेशन रूरल एरिया का है, जितनी भी हमारी डिस्ट्रिक्ट हैं, नॉन डिस्ट्रिक्ट, उनके लोगों को पता चले, आपके माध्यम के थ्रू हम लोग ये भी जितलाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू एडवाइज टू देम आल्सो। सर, पेट्रोल पंप पे आज कुछ बैनर्स देखने को मिलते हैं, नो फ्यूल, नो हेलमेट।